और मैंने पहले भी ये कहा था, मौके तो आसानी से मिल गए लेकिन इज्जत नहीं मिली, तो उसी के लिए काम करना है अभी। जानवी कपूर ने माना कि एक स्टार किड होने के नाते उन्हें मिला है इसका खूब फायदा। जानवी कपूर के इस बयान पर लोगों ने किया रिएक्ट। कुछ नेटिजन्स ने जानवी कपूर के इस एटीट्यूड को बताया एरोगेंट। जानवी कपूर को इंडस्ट्री में आए अब कई साल बीत चुके हैं। हालांकि एक स्टार किड होने के नाते फिल्म इंडस्ट्री में जानवी कपूर की ये जर्नी रही है रिलेटिवली इजी, जिस बात को वो खुद भी अच्छी तरह से जानती हैं। जानवी कपूर ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान इस बात को बोल्डली एडमिट भी किया। उन्होंने बताया कि कैसे उनके फैमिली बैकग्राउंड की वजह से उन्हें इंडस्ट्री में काफी बड़ी स्टार्ट मिली। She acknowledged that she had it easier than many other aspiring actors who have to struggle to make it in the industry. Janvi Kapoor ne aage ye tak kaha that she is aware of her privilege and is grateful for the opportunities she's had because of them. अपने इंटरव्यू में कही जानवी कपूर की ये बातें अब सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रही हैं, जिसे एक सोशल मीडिया यूजर ने अपने पेज पर शेयर किया एंड आस्क्ड इफ इट वाज ऑनेस्टी और एरोगेंस ऑन हर पार्ट। ऐसे में अब कुछ लोगों ने जहां जानवी कपूर की इस ऑनेस्टी को प्रेज किया है, वहीं बाकी कुछ यूजर्स ने जानवी कपूर को उन दूसरे सेलेब्स से कंपेयर किया है जो अक्सर नेपोटिज्म का साइड लेते हुए रियलिटी से दूर भागते दिखते हैं। वहीं कुछ ऐसे भी यूजर्स थे जिन्होंने जानवी कपूर को फिर भी ब्लेम किया, कमेंटिंग, बहन तूने ऑडिशन भी नहीं दिया, करण जौहर ने तेरे घर जाकर मूवी ऑफर करी मस्त से। अब जानवी कपूर कितनी भी ऑनेस्ट क्यों ना हो जाएं, लेकिन बॉलीवुड में नेपोटिज्म एक ऐसा डिबेट है जिसका कोई एंड नहीं है, जिस पर लोगों का नेगेटिव रिएक्शन आना भी जाहिर है। इंटरव्यू में कही जानवी कपूर की बातों ने भी नेपोटिज्म की कंट्रोवर्सी को फिर से हवा दे दी है। Get a chance to feature on Zoom TV. Ho ja Zoomify.